Dear students, good morning all of you. पिछली क्लास में हिस्ट्री में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशंस। आज की ऑनलाइन क्लास में हम सोशल साइंस में जो दूसरा पार्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें चैप्टर 1 पावर शेयरिंग शुरू करने जा रहे हैं। पावर शेयरिंग में आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे वो हमारे टॉपिक्स है बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, डिस्कस करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की क्या स्थिति है जो हम कंडीशन पढ़ते हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा बेल्जियम राज्य है, बेल्जियम देश है यूरोप में। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, और इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन से करीब हाफ आधी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटे से कंट्री के सोसाइटी की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। तो ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, देश की टोटल पॉपुलेशन का 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है, लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन्स में रहता है एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज, और वो डच भाषा बोलता है। यानी कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन्स में रहता है 59%, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, डच लैंग्वेज बोलता है। अनदर 40% पीपल लिव्स इन द वेलोनिया रीजन, और शेष 40% पीपल वेलोनिया रीजन्स में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच एंड स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन, और शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच व्हाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अगर हम कैपिटल की बात करें, जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नेम है ब्रुसेल्स, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा का यूज करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें ज़्यादा पीपल कौन से हैं जो लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं, और 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम है, माइनॉरिटी है, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा रिच है एंड पावरफुल है। जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी माइनॉरिटी है, उनकी संख्या कम है,
लेकिन वो क्या है, रिच एंड पावरफुल, वो समृद्ध है और ताकतवर है। यानी कम संख्या में जो है लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो रिच एंड पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो दिस वॉज रिजेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत बाद में जाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। इसके चलते दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। इसके चलते 1950 और 1960 के डिकेड्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले जो कम्युनिटीज थे उनके बीच टेंशन बढ़ने लगा, तनाव बढ़ने लगा। फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो है टेंशन्स बढ़ने लगा, तनाव बढ़ने लगा ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। 1950 और 1960 के दशक में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो तनाव बढ़ने लगा था, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टकराव जो सबसे ज्यादा दिखा था वो कैपिटल ब्रुसेल्स में दिखा था। जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें यह टेंशन ज्यादा नजर आ रहा था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, ये एक विशेष प्रकार की समस्या थी, स्पेशल प्रॉब्लम थी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूएट अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। द डच स्पीकिंग पीपल, डच भाषा बोलने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूएट अ मेजोरिटी इन द कंट्री। अगर हम संख्या के हिसाब से देखें, संख्या के हिसाब से ज्यादा थे। कौन थे? डच स्पीकिंग। डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो संख्या के हिसाब से ज्यादा थे बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन वो समृद्धि के मामले में कमजोर थे, अल्पमत में थे, माइनॉरिटी में थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। आइए इसी स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं जिसका नेम है श्रीलंका। ये तो हमने बेल्जियम की स्थिति पढ़ी थी। बेल्जियम में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। अब इसी तरह का कंपेयर हम श्रीलंका के बारे में करते हैं। एक अनदर कंट्री है, वहां की सिचुएशन क्या है वो भी हम देखते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशंस। तो आप जानते ही हो, एज यू नो, श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है, एक द्वीपीय देश है, आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका तमिलनाडु से जो है कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। इसकी आबादी 2 करोड़ है, 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, और हरियाणा के बराबर है। ये जो श्रीलंका है, ये नेशन हमारा जो स्टेट है हरियाणा, उसके बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन्स, दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह ही श्रीलंका है जो डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की आबादी में कई प्रकार के जातीय समूह रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं। डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पर।
पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स है, यानी अनेक तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, अनेक कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन है। कहाँ पर है? श्रीलंका में। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगल स्पीकर्स। तो जो मेजर सोशल ग्रुप्स है, सबसे सामाजिक समूह जो है वो सिंहलियों का है 74%। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप्स है वो कौन सा है? सिंहली स्पीकर्स, सिंहली भाषा है। तो सिंहली भाषा बोलने वाले जो पीपल है वो सबसे ज्यादा है 74%। एग्जाम में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कि सबसे ज्यादा जो भाषा बोलने वाला जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप है श्रीलंका में, वो कौन सा है? तो सिंहली स्पीकर्स, जो सिंहली भाषा बोलता है वो ग्रुप 74% है। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। और इसके अलावा तमिल भाषा बोलने वाला जो ग्रुप है 18% का, वो दूसरे नंबर पर है। एमंग तमिल देयर आर टू सब ग्रुप्स। और तमिलों में भी टू ग्रुप्स है, यानी जो तमिल स्पीकर्स है उनके भी टू ग्रुप्स है, दो इनके भाग है, दो इनके समूह है। कौन कौन से समूह है? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंका, श्रीलंकन तमिल्स 13%। ये जो 14% है, सॉरी 18% है, इसमें भी श्रीलंकाई मूल में जो तमिल है 13%, और जो दूसरा है द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और दूसरा जो ग्रुप है हिंदुस्तानी तमिल का, और जो औपनिवेशिक शासन काल में प्लांटेशंस में काम करने के लिए भारत से लाए गए जो लोग हैं उनकी संतान है, ये दूसरा ग्रुप है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 18% तमिल स्पीकर्स है इनके भी दो ग्रुप है। तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स, इनको दो सब ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तो है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मूल जो श्रीलंका के निवासी है, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% है। और दूसरा जो 1% है वो कौन सा है? हिंदुस्तानी तमिल का, जो प्लांटेशंस वर्कर्स के लिए इनको लाया गया था वो तमिल, श्रीलंकन तमिल्स का है, वो हिंदुस्तानी तमिल्स का है, इंडियन तमिल्स का। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आप मैप में देख सकते हो, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम मैप का अध्ययन करें तो मैप में जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट में जो है श्रीलंकन तमिल्स जो है ज्यादा रहते हैं, इनका ज्यादा घनत्व है। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में ज्यादा आबाद है। नॉर्थ एंड ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन्स, वेलून, फ्लेमिश, जर्मन स्पीकिंग, ये बता रखा आपको। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ सिंहली स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द सिंहल स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम्स। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहल। और इसके अलावा श्रीलंका की आबादी में
ईसाई लोगों का भी 7% हिस्सा है और वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब हम ये सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है, टकराव हो सकता है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के आधार पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर जो क्या कर सकते हैं, अपनी विल थोप सकते हैं। कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो जो ज्यादा भाषा में बोलने वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, बेल्जियम में डच भाषी लोग जो है अपनी बड़ी संख्या के बल पर वो क्या कर सकते हैं, वो फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी के ऊपर अपनी विल को थोप सकते हैं, अपनी इच्छा को थोप सकते हैं। दिस वुड पुश द कंफ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। इससे अपने बीच की लड़ाई और भी बढ़ जाती है। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इससे संभव है कि इससे देश बढ़ जाता, देश का पार्टीशन भी हो सकता था। बहुत द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा जो है कर सकते थे। इन श्रीलंका द सिंहल कम्युनिटी इंजॉयड एन एवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। इन श्रीलंका, श्रीलंका में द सिंहल कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुमत था, और वो लोग देश में अपनी मनमानी चला सकते थे। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। और पूरे देश में जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी विल को थोप सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ है, दोनों देशों में क्या क्या सिचुएशन उत्पन्न हुई है वो हम देखते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में जो ज्यादा संख्या में जो लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल है उसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द लीडर्स ऑफ द सिंगल कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्चू ऑफ देयर मेजोरिटी। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी मेजोरिटी के बल पर शासन पर जो है डोमिनेंस जमाना चाहा, अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, अपनी अपना डोमिनेंस कायम करना चाहा। एज ए रिजल्ट, इसी वजह से द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंगल सुपरमेसी। और इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की डोमिनेंस कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई स्टेप्स उठाए। इन 1956 में एन एक्ट वाज पास्ड, एक एक्ट बना था टू रिकॉग्नाइज सिंहल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। एक कानून बनाया गया था जिसके तहत तमिल को हटाकर उसकी जगह ऑफिशियल जो लैंग्वेज बनाई गई सिंहल बनाई गई। सिंहल को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिस रिगार्डिंग तमिल। तमिल को डिस रिगार्डिंग करते हुए सिंहल को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई एक्ट पास करके। कब एक्ट पास किया गया, 1956 में। The governments followed preferential policies that favored
सिंहल एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट जॉब्स में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की पॉलिसी भी चलाई गई थी। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्पीट्यू एलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। नए संविधान में ये प्रावधान किया गया कि गवर्नमेंट बौद्ध मत को प्रोटेक्शन देगी और उसको बढ़ावा देगी, फॉस्टर बुद्धिज्म उसको बढ़ावा देगी और प्रोटेक्ट करेगी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस में इस प्रकार की व्यवस्था की गई। ऑल दीज गवर्नमेंट्स मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एक एक करके आए इन गवर्नमेंट फैसलों के कारण श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें एलियनेशंस की भावना पैदा हो गई, बेगानेपन की भावना पैदा होने लगी। दे फेल्ट, उन्हें लगता था दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहल लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें यह लगता था बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के लीडरशिप वाली सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर जो है सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। दे फेल्ट, उन्हें लगा दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डेनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें ये लगा कि संविधान और सरकार इनकी जो पॉलिसीज है वो उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही है, वंचित कर रही है, डिस्क्रिमिनेटेड कर रही है। उनको ये लगता था गवर्नमेंट पॉलिसीज डेनाइड कर रही है देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो पॉलिटिकल राइट्स है उनको वो डेनाइड कर रही है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की या दूसरी, उससे उनको डिस्क्रिमिनेटेड किया जा रहा है। एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और इनके हितों की अनदेखी की जा रही है, इंटरेस्ट की अनदेखी की जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द रिलेशंस बिटवीन द सिंहल एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। इसका परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के जो संबंध थे वो बिगड़ते गए, स्ट्रेन होते गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। इसके अलावा तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में समान अवसरों की मांग को लेकर जो है उन्होंने संघर्ष चालू कर दिया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डेनाइड। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांग को लगातार जो है डेनाइड किया जाता रहा। बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. So by 1980s 1980 के दशक तक several political organizations were formed, विभिन्न राजनीतिक संगठन बने, demanding an independent Tamil Eelam, जो श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल एलम गवर्नमेंट बनाने की मांग को लेकर। वो इंडिपेंडेंट तमिल एलम गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो है नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में जो है उन्होंने कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की। दे Distrust between the two communities turned into widespread conflict. श्रीलंका में दो समुदायों के बीच
पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, वाइड स्प्रेड कंफ्लिक्ट, दोनों समुदायों में कंफ्लिक्ट होने लगा। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, और शीघ्र ही ये जो कंफ्लिक्ट था वो सिविल वॉर में बदला। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, दोनों कम्युनिटीज के जो पीपल्स थे वो किल्ड, हैव बीन किल्ड, मारे जा चुके हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, और अनेक परिवार अपने देश से भागकर जो है लीव द कंट्री एज रिफकीज बन गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं, अपने देश से जो है उनको निकाला गया और वो रिफकीज बन गए हैं। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और इसके अलावा बहुत सारे जो है उन लाइवलीहुड्स को लॉस कर चुके हैं, अपनी जीविका खो चुके हैं। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th, आपने पढ़ा है हमारी जो 10th क्लास की जो बुक है इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, उसमें आपने पढ़ा है। यू हैव रीड अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अच्छा है उसके बारे में आपने यू हैव रीड आपने पढ़ा था इकोनॉमिक की बुक में, कि श्रीलंका को हम अगर देखें तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सीलेंट है। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में भी उसका रिकॉर्ड एक्सीलेंट है। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, लेकिन वहां के सिविल वॉर से, गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई है। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड, ये सिविल वॉर जो है ये एक कॉज है, अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो इकोनॉमिक लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उसमें काफी परेशानियां पैदा हुई है। Thank you. Have a nice day.